पिछले आधे घंटे से इसकी चाय नहीं खत्म हो रही। हमारे साथ है छोटा मोलीडोन। जब भी हम जिम से फ्री हुए और बड़ी जोर की भूख लग रही है तो मैं उसामा से आज ये पूछ रहा हूँ यार ऑथेंटिक बीफ बिरयानी या पुलाव मुल्तान में कहाँ से मिलता है? चिकन वाली खानी है तो नवीद बीफ वाली खानी। ऑथेंटिक बीफ बिरयानी अगर खानी है ना शोकल बिरयानी। अभी हम अपना सफर शुरू कर रहे हैं यार, पुलाव ही खाना है वो भी बीफ वाला। तो उसामा भाई ने रिकमेंड किया शोकत बिरयानी। जो चेरी चौक से जाएंगे TCS वाला रोड जो है अंदर गोल्डटेक्स आता है, गोल्डटेक्स के थोड़ा सा आगे बैठा है कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने अगरबत्ती वाला। सात नंबर की सबसे मेमोरी है यहाँ पे एक होता था अब्दुल्ला सेंटर जिसको हम कहते थे अलादीन भी, आप सबको याद हो। यहाँ पे झूले झूले बड़ी यहाँ पे गेम्स और एक्टिविटी होती थी। चेरी चौक वाला जो फ्लेवर और यहाँ से हमने ये और ये TCS का ऑफिस है। जगह हमारी आ चुकी है 1 से 2 बजे तक यहाँ पे बहुत रश होता है। सुनुकत बिरयानी बिरयानी है पुलाव है ये ये जो हमारी प्लेट है ये 200 रुपए की प्लेट है। चावल और ये जो बीफ जो है वो भर के देते हैं। इनके रेट जो बड़ी प्लेट है वो 400 की, दरमियानी 300 की। इसका टेक्सचर जो है मजे का लग रहा है और बड़ा इनका चावल और रोटियां हैं ये भी मजे की लग रही है। अभी कहते हैं कि मुल्तान का ये फेमस टेस्ट तो मैंने कर लिया जी, ये टेस्ट अच्छा है। और जो है वो हम खा चुके हैं, कर रहा है कि चाय ट्राई करें गोल्डटेक्स की चाय वाला के सीन पे। मुझे तो लग रहा है लड़ाई हो जाएगी। एक लड़का भी आया हुआ है चाय की, लग रहा बड़ा शौकीन है, हंस भी रहा था साथ में। मनुष्य लग रहा मत करो, चाय का ऑर्डर दे दिया जी। बड़ी लेट आये हो चाय लेके। हाँ थोड़ी देर में टेस्ट अच्छा। मैं अभी भी इन सर्च हूँ सुल्तान में एक ऑथेंटिक बीफ पुलाव वाला मिले, तो अगर आप लोगों को बता तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ।